आप यहाँ रूट पे चले जाओगे, ठीक है। और अगर ए से आपको बी में जाना है, ठीक है, ए से अगर आपको बी में जाना है तो क्या होगा, सेम कमांड चलाना होगा, su करके मेरे को बी यहाँ पे मेंशन करना होगा स्पेस डालने के बाद, तो वो क्या होगा, बी से लॉग इन कर लेगा। बट यहाँ पे एक और केस है, आप यहाँ पे सुपर यूजर, यूजर से आप अगर सुपर यूजर जाना चाहोगे तो सुपर यूजर का जो होगा, ठीक है, सुपर यूजर का जो होगा वो पासवर्ड मांगेगा अपने को, ठीक है, तो पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। तो रूट का जो पासवर्ड आपने लॉग इन में डाला था वही पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यूजर से यूजर में जा रहे हो तो पासवर्ड नहीं लगेगा, अगर यूजर से रूट यूजर में जा रहे हो या फिर सुपर यूजर में जा रहे हो तो आपको पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड पता रहना चाहिए। तो आप लोगों को पता है, मैं बताया था लिनक्स के लिए कि क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि विंडोज में एडमिन एडमिन जो एडमिन का जो भी क्राइटेरिया, जो भी उसका पॉलिसी रहता है, वो यूजर को भी मिल जाता है ना। और लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में वो सारा परमिशन प्रिविलेज यूजर को नहीं देता है, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए हम लोग को रूट में जाने के लिए भी पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर यहाँ पे कॉपी हो गया, मूव हो गया, UMI हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, SE हो गया, ठीक है। अब आते हैं CHOW ना, CHOW, ठीक है, तो फिफ्थ नंबर आते हैं CHOWN में। ये होता है चेंज ओनर, मींस चेंज ओनरशिप, ठीक है, चेंज ओनरशिप इसमें करना रहेगा। तो अगर मेरे को किसी फाइल का, अगर सपोज एक फाइल है उसका ओनर सपोज रूट है, ठीक है, मैं अभी फाइल बनाऊंगा कोई भी, तो वो उसका यूजर तो रूट ही होगा, ठीक है, तो ये फाइल का यूजर तो हमारा रूट है, ठीक है, बट हमें इस फाइल को दूसरे यूजर को एक्सेस करने का परमिशन देना। और मैंने कहा था रूट सबको एक परमिशन दे सकता है, यूजर बना सकता है, यूजर डिलीट कर सकता है, परमिशन हटा सकता है, तो ये तो दे ही सकता है रूट, ठीक है। तो रूट क्या करेगा, अगर सपोज ए बी करके है, ठीक है, तो फाइल वन और फाइल टू है रूट के पास, ठीक है, तो फाइल वन का परमिशन इसको मिल जाएगा, फाइल टू का परमिशन इसको मिल जाएगा। सपोज आप देख लो अपने ऑफिस में, देख लो सभी पर्सन के अपने रोल होंगे, ठीक है, तो उसके लिए उसे अलग परमिशन दिया हुआ होगा कि आपको यहाँ ये फाइल एक्सेस करना है, आपको ये फाइल एक्सेस करना है, आप एक दूसरे का फाइल एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा करके कुछ होगा क्राइटेरिया आप लोग ऑफिस में। तो ये वही क्राइटेरिया एक तरह से फॉलो कर रहा है सुपर यूजर अपना यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हुआ। कोई डाउट है इसमें CHOWN में? नहीं सर। अब देखो CHOWN यूज कैसे करते हैं, इसका कमांड कैसा टाइप का रहता है। पहले तो हम लोग CHOWN, अगर किसी फाइल का मेरे को चेंज करना है ओनरशिप, तो पहले तो CHOWN लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक यहाँ पे कोलन डालना होगा, कोलन डालने के बाद जो सॉरी पहले मैं यूजर दूंगा, ठीक है, CHOWN के बाद मैं यूजर नेम दूंगा, जिस यूजर जिसका ओनरशिप मेरे को देना है, ठीक है। सपोज अभी तो रूट का है और मेरे को ए को देना है, तो यहाँ पे मेरे को ए मेंशन करना पड़ेगा स्पेस देने के बाद, ठीक है। फिर मेरे को क्या करना होगा, सेमी कोलोन कोलोन देना होगा, ठीक है। कोलोन देने के बाद अब उस रूट जो भी यूजर है यहाँ पे उसका कुछ अपना ये रहेगा, ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप का नेम देना पड़ेगा। वो अभी प्रीक्विजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा ग्रुप कौन कौन सा होता है यूजर का, ठीक है। तो ग्रुप यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, ठीक है, और फिर क्या करना है, मेरे को एक स्पेस देना होगा, ठीक है, स्पेस देने के बाद मेरे को पाथ देना होगा, ठीक है, मतलब उस फाइल का पाथ देना होगा जिससे मेरे को चेंज करना है इस यूजर के लिए, ठीक है, क्लियर है। ये कमांड थोड़ा समझ में आया आप लोग को, हाँ ये अभी हम लोग प्रीरिक्विजिट में यूज करें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्पेस रहेगा अपना,
कमांड हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। यहाँ स्पेस रहेगा, यहाँ स्पेस रहेगा, यहाँ पे जिस यूजर को, यूजर में मेरे को उस फाइल को ओनरशिप देना है, उस यूजर का नेम होगा, उसका ग्रुप होगा, और यहाँ पे जिस फाइल को करना है उस फाइल का लोकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग तो ये बनाए हुए हो गए पहले से, डायरेक्टरी तो बनाए हुए हो आप लोग सब डिफरेंट। आप लोग पिछले बार टास्क दिया था कि एबीसी के अंदर सीडी बनाना है, उसके बाद ईएफजी बनाना है, वैसा करके सब कोई किए थे। वीआई से बना था? हाँ सर, हाँ सर, बन गया था वीआई से फाइल। हाँ अच्छा, अब देखो आप लोग कैसे किए होंगे, mkdir लिखे होंगे, मतलब उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आप mkdir लिखे होंगे, स्पेस दिए होंगे, फिर एबीसी लिखे होंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या किए होंगे आप, सीडी करके फिर एबीसी के अंदर गए होंगे, फिर आप एबीसी के अंदर mkdir करके ef cde करके बनाए हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सीडी करके सीडी में गए होंगे, है ना। ऐसे करके आप प्रोसेस फॉलो किए होंगे। हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं। हाँ वही बता रहा हूँ, एक साथ भी हम लोग कर सकते हैं। वो होगा mkdir, स्पेस देना होगा, फिर डी टी माइनस तो माइनस, ठीक है, हाँ माइनस पी देना होगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एबीसी लिखो, सीडी लिखो, स्लैश स्लैश करके ईएफजी लिखो, ऐसे करोगे तो मेरा तीनों डायरेक्टरी एक साथ ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ये सब डायरेक्टरीज माइनस पी के बाद स्पेस है सर? हाँ सब स्पेस है, इधर स्पेस होगा, इधर स्पेस होगा, ठीक है। एमकेडीआर का भी, डीआईआर के बाद भी स्पेस होगा और माइनस पी के बाद भी स्पेस होगा। और पीआई से तो आप लोगों का फिगर बन गया होगा और टेंथ से भी बना लिया होगा, ठीक है। इसके बाद आप कुछ भी प्रोसेस से आप फाइल बना सकते थे आराम से, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब हम लोग का अब आते हैं CHMOD में आते हैं, ठीक। CHMOD क्या होता है? परमिशन के लिए होता है, चेंज मोड, परमिशन पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं चेंज मोड, ठीक है। अब यहाँ पे परमिशन हम लोग जानेंगे, ठीक है, कितने परमिशन होते हैं, ठीक है। दो दो बार परमिशन लिख दिया, परमिशन पर्पस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, कितने परमिशंस होते हैं। अब आप लोग को याद होगा, अच्छा पहले मैं परमिशंस बता देता हूँ, अपने पास बेसिकली चार परमिशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है रीड करने का, दूसरा होता है राइट करने का, ठीक है, तीसरा होता है एग्जीक्यूट करने का, और चौथा बेसिकली आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, ये नो परमिशन होता है, ठीक है। ये आपको ये दिखेगा, फर्स्ट तीन ही आपको दिखेगा मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट तीन अपने आप ले लेगा अगर आप कोई परमिशन नहीं भी देते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका एब्रीविएशन R होगा, ठीक है, इसका एब्रीविएशन W होगा, इसका एब्रीविएशन X होगा, ठीक है, और ये वाला तो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये होता है, अब ये सभी परमिशन का वैल्यू क्या होता है ये आप लोग जान लो। तो बेसिकली इसका परमिशन होता है चार, क्या होता है, रीड का होता है फोर सर, फोर इसका हो जाएगा, आप लोग याद करने का बता देता हूँ, टू द पावर टू याद कर लो, टू द पावर वन याद कर लो, टू हो गया, टू द पावर जीरो याद करो, क्या होता है टू द पावर जीरो, वन होता है, चलो, और इसका जीरो होता है, जीरो। टोटल कितने परमिशन है, सेवन, मतलब मैक्सिमम हम लोग सेवन का परमिशन दे सकते हैं। और इस तरह का परमिशन मैं कैसे दूंगा,
थ्री डिजिट ऑक्टा, अपना थ्री डिजिट ऑक्टा रहता है परमिशन। अब थ्री डिजिट मीन्स आप लोग समझ में आ गए कि ये तीन डिजिट में देते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ऑक्टा मीन्स एट डिजिट में से कोई भी डिजिट होगा। मीन्स एट डिजिट क्या क्या है अपना, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, टोटल सेवन, एट है, एट डिजिट है ना अपना इधर, तो ये ऑक्टा इसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अब यहाँ पे थ्री डिजिट है तो हर एक डिजिट का कुछ मतलब होगा, ठीक है। तो पहला जो डिजिट होता है उसका मीनिंग होता है किसको परमिशन मिला है, यूजर को, ये यूजर का परमिशन डिनोट करता है। दूसरा होता है यूजर के ग्रुप का परमिशन, ठीक है, और तीसरा होता है अदर्स, इसको दो परमिशन दिया। अब बेसिक लाइफ सिनेरियो ले तो क्या हो सकता है, हो सकता है हम लोग का सपोज सीईओ है, ठीक है, सीईओ के अंदर कौन काम करता है बताओ, मैनेजमेंट। चलो ठीक है, आप लोग के लिए आसान कर देते हैं, मैनेजर है, मैनेजर के अंदर कौन काम करता है, नॉर्मल एम्प्लॉयज करता है, ठीक है। फिर सपोज कोई क्लाइंट है, ठीक है, तो ये सब तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में है, ये बाहर से है कोई, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में हायर प्रायोरिटी किसके पास है, मैनेजर के पास। तो मैनेजर को हम क्या यूजर बोल सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कौन है, ये सेकेंड हायर प्रायोरिटी है, मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, ये इसी के अंडर में काम कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लाइंट देख लो, क्लाइंट का क्या, ये बाहर से है ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसको हम परमिशन ज्यादा देंगे नहीं, इसको बेसिकली रीड का भी दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ज्यादातर रीड ही का देते हैं, है ना। मतलब ये अगर सपोज आपके पास कोई कोई बॉन्ड साइन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर देखेगा, ठीक है, मैनेजर इस पे साइन कर सकता है ना। एम्प्लॉय क्या कर सकता है, इसको रेक्टिफाई कर सकता है, चेक कर सकता है बस, लेकिन वो कुछ इसमें लिख नहीं सकता, ठीक है। मैनेजर इसमें राइट कर, रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, इसमें एडिट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सिर्फ रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब इसको फॉरवर्ड कर सकता है आगे, ठीक है। और क्लाइंट क्या करेगा, सिर्फ ये रीड कर सकता है, इसमें ना लिख सकता है ना कुछ कर सकता है, ठीक है। ये बेसिक सिनेरियो है, जो आपको समझ में आ जाए तो बेहतर है, इतना हेक्टिक भी नहीं है, क्लियर है आपको। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब इस सी एच एम ओ डी को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, प्रोग्राम में कैसे लाइनअप लिखते हैं, ठीक है, तो कैसे होगा अपना, या तो दो तरीका होता है, दो तरीका से आप लिख सकते हो, ठीक है। पहले तो सी एच एम ओ डी लिखना तो कंपलसरी अपना, क्योंकि यही कमांड एग्जीक्यूट करने का, फिर अपने को क्या करना है, स्पेस डालना होगा, ठीक है। अब स्पेस डाल दिया, अब क्या होगा बताओ, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरे को परमिशन देना पड़ेगा, जो डिनोट करना, या आर डब्ल्यू एक्स, जो भी है आपको देना है, देने का मन है वो दे सकते हो, क्या है। और इसके बाद फिर यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, स्पेस है, और स्पेस के बाद जिसे आपको देना है वो यहाँ पे रहना चाहिए, होम टू गिव, ठीक है, उसका यहाँ पे मेरे को नेम रहना चाहिए, और यहाँ पे परमिशन देना होगा, आइदर इन आर डब्ल्यू एक्स फॉर्म और ऑक्टा डिजिट 777775, ठीक है। अब आप लोग बताओ, ये जो सेवन है, सेवन का मीनिंग क्या होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट, राइट राइट एग्जीक्यूट मींस फोर प्लस क्या है इसका, टू प्लस वन, दैट इज इक्वल टू सेवन, ये हो गया। अगर सेवन है इधर देखो, फिर एक सेवन है, तो इसका भी सेम है आर डब्ल्यू एक्स, इसका होल परमिशन सेवन है, और फाइव है, फाइव है तो क्या होगा बताओ, फोर प्लस वन मतलब रीड, पहले ये आर डब्ल्यू एक्स के टर्म में बताओ क्या होगा,
रीड और रीड और एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट, आर और एक्स, एक्स होगा ठीक है। तो आर का होता है 4, एग्जीक्यूट एक्स का होता है 1, तो ये होता है टोटल 5। तो ये 7 7 5 का परमिशन हम यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर 7 7 7 5 5 का परमिशन देते हैं, आपके आप जैसा परमिशन देना चाहो आप यहाँ पे दे सकते हो। ये बहुत सिंपल रहता है अपना। और इसके बाद क्या करना है अपने को, वो जिससे देना है उसका यहाँ पे नेम देना होगा, ठीक है, ठीक है, जिस फाइल को देना है उसका नेम, जिस फाइल को परमिशन देना, ठीक है। बस इतना ही था अपना, और थोड़ा बेसिक आप लोग जान लो तो इनिट 6 तो आप लोग जान ही गए होगे क्या करता है। हाँ सर, रिस्टार्ट करता है। क्या करता है? रिस्टार्ट, रिस्टार्ट करने के लिए काम करता है, या फिर बूट करने का काम आता है, ठीक है। और इनिट 0 क्या करेगा? एग्जिट, एग्जिट नहीं करता है, शट डाउन कर देता है, ठीक है, वो रिस्टार्ट नहीं करता, सीधा शट डाउन कर देता है, ठीक है। बस आप लोगों को इतना ही बेसिक चीज जानना था, ठीक है, लिनक्स के बारे में। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा तो आप लोग को आज के सेशन के बाद मैं आप लोग को एक वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा लिनक्स कमांड का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन स्टार्ट करते हैं। जैसे विंडोज में आप बैकग्राउंड चेंज करते हो अपने स्क्रीन का, वैसे इसका भी कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं। तो क्या बताना आप लोगों को बताओ, तब मैं अपनी रिक्वेस्ट स्टार्ट करूंगा। किसमें प्रॉब्लम होगा, कौन से लिनक्स कमांड में आप लोग बताओ, वही कमांड में करता हूं। सब कमांड एक बार करके दिखा दीजिए ना कैसे यूज करते हैं। कौन सा आप लोग बताओ, एक एक करके बताओ फिर करके बताऊंगा। बोलो चलो ls, अच्छा ls करके देखते हैं। ll में आपको क्या दिख रहा है? फाइल्स एंड फोल्डर्स दिख रहा है, सिंपल है, ठीक है। फिर अब क्या था, ls करना था, ls, ठीक है, फिल किया, एंटर किया। ls में क्या करेगा, वो फुल डिटेल में नहीं देगा मेरे को, सिर्फ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के नेम्स मेरे को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये ls कमांड है, मतलब ये शॉर्ट लिस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। ll लॉन्ग लिस्ट है और ls शॉर्ट लिस्ट, ठीक है। अब ls minus ltr करके देखते हैं। हाँ, ls minus ltr, ठीक है, ये देखो, ये कमांड क्या करता है, आपको एक तरह से शॉर्टेड डेटा देता है। मींस आप देखो यहाँ पे जो सबसे पहले बना है, ठीक है, ये देखो डेट, देखो 24 जुलाई 16:09 टाइम है इसका, और आस्ते आस्ते करके क्या हुआ है, ये एक तरह से बढ़ते गया, मींस ये शॉर्टेड किया है फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मींस जो सबसे पहला फाइल मेरा इस मशीन में आया होगा वो सबसे पहले मेरे को शो करेगा। तो इंस्टॉल डॉट लॉग मेरा सबसे पहले आया है तो वो मेरे को पहले शो करेगा। फिर टेम्पलेट्स बाद में बना लूंगा। हां, डेट एंड टाइम वाइज जो सबसे पहले, हां डेट एंड टाइम वाइज ये शॉर्टेड रहेगा बट असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और क्या था, ls-ltra, अच्छा ls-ltra, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फाइल्स दिख रहा है ना, हिडन फाइल दिख रहा है, ये सब हिडन फाइल्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग हिडन फाइल देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और मैं आप लोग को ये देखो, यहाँ पे आप लोगों को पिछले बार बताया था, यहाँ पे डी दिखता है, डी मीन्स डायरेक्टरी, ये जो फर्स्ट तीन है ये मेरे को क्या शो कर रहा है, 7 का परमिशन है, है कि नहीं, क्या है, RWX,
आर डब्ल्यू और ये आर डब्ल्यू एक्स मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूजर परमिशन विच हैज सेवन, ठीक है, सेवन एस यूजर परमिशन मींस रीड राइट एंड एक्सेप्ट। ये सेकंड देखो आर एक्स है, आर एक्स इज और ग्रुप्स, ओके, और सिस्टम परमिशन है फाइव का है, दैट इज रीड एंड एक्सेक्यूट, फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेम, इट हैज ऑल्सो परमिशन एज फाइव, मीन्स रीड एंड एग्जीक्यूट, दैट इज फॉर अदर्स, ठीक है। और ये देखो आप लोग को पता है ये ग्रुप, ये आपका यूजर है और ये है ग्रुप, तो रूट का बेसिकली ग्रुप भी रूट ही होता है और यूजर भी रूट ही होता है, ठीक है। बहुत आवाज आ रहा है, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है सर, वो मे बी कोई ऑन करके रखूं। हाँ, इन देवजीत से आवाज आ रहा था, ठीक है, अब साफ है? मैं ही बोल रहा था आपको, ठीक है ठीक है। ओ अच्छा, आप ही बोल रहा था, ठीक है, अभी आ रहा है क्लियर? हाँ सर, अब ठीक है। अच्छा, मेरे को आवाज पहले पहचानने में तो टाइम लगेगा ना। चलो फिर, किसी को प्रॉब्लम अभी तक इसमें? ये तो आप लोगों का टास्क था कि कैसे होता है। चलो कोई बात नहीं, और क्या बताना है बताओ आप लोग फटाफट, कोई डाउट है किसी में तो आप लोग कमांड खुद चला के देखो, हर चीज में नहीं बताऊ, आप लोग को वे बता सकता हूँ, आप लोग खुद करके देखो, वही बेटर रहेगा। तो आप लोग को जिसमें लगता है कि आप लोग को प्रॉब्लम आ सकता है वो कमांड बोलो, तो वो मैं करके दिखाऊंगा हर चीज। कमांड है वो वाला CHMOD के लिए, मेरे को यूजर रहना चाहिए दूसरा, तो मेरे पास अभी यूजर नहीं है, प्रीरिक्विजिट में वो करके देखेंगे, CHOW एंड CHMOD ये प्रीरिक्विजिट में करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर, तो प्रीरिक्विजिट स्टार्ट करें। हाँ, नहीं आप लोग कॉपी करना सीख जाओगे, ठीक है, अनजिप करना सीख जाओगे, और CHMOD CHOWN दोनों करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के पास PDF है? हाँ सर। चलो सबसे पहले सब कोई अपना ये चेक कर लेना कि टर्मिनल खोल के आप लोग एक्स क्लॉक करके देख लेना, ठीक है, यहाँ पे जो टाइम होगा, ठीक है, वो टाइम आपका जो सिस्टम है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं वो चेक कर लेना, अगर वो मैच कर रहा है तो आपको इंस्टॉलेशन अभी तक परफेक्ट है, और अगर कोई दिक्कत है तो इसका मतलब आप कहीं पे इंस्टॉलेशन में मिस्टेक किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्री रिक्विजिट करने के लिए, तो आप लोग को ये भेजा हुआ है पहले PDF, ठीक है, वो PDF खोल के देखना आप लोग, देखो ऐसा PDF है आप लोग पास, ये देखो ये PDF है आप लोग पास। हाँ सर, तो हमें इसी PDF से काम है, ठीक है, तो आप लोग इस सेक्शन में आ जाना। ये DB install वाला है ना सर, DB install इसका नाम है इस फाइल का? हाँ वही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अपडेटेड PDF है, ठीक है, अगर ये वाला आपके पास नहीं है तो आप लोग बताना, मैं मेल कर दूंगा या फिर ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो हमने लास्ट एक्स क्लॉक करके देख लिया, मेरा तो सही है, सिस्टम के साथ मैच किया, सेम किया, वो सेम है, टाइम भी सेम है, अब मैं प्री रिक्विजिट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा प्री रिक्विजिट का पहला स्टेप है, ये एक इन्वर्टेड कॉमा में मेरे को फाइल दिया हुआ है, ठीक है, ये फाइल पहले से क्रिएटेड है मेरे पास OS में, ठीक है। इस फाइल में मेरे को कुछ पैरामीटर्स ऐड करना रहेगा जो ओरेकल मेरे को रिकमेंड कर रहा है, ओरेकल मेरे को बोला कि ये सभी चीजें आप इसमें और इंक्लूड करो, ऐड करो, तो मैं और बेहतर कर सकूंगा, आपका डेटा लॉस नहीं होगा, जो भी उसका क्राइटेरिया है वो फॉलो करना पड़ेगा, ये सब ओरेकल रिकमेंडेड है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी पैरामीटर्स है, जो भी पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं वो सब ओरेकल के ही द्वारा है, ठीक है, वही वो रिकमेंड कर रहा है कि ये नंबर ऑफ साइज रहना चाहिए, ये सभी चीजें, तो उसी के जो अकॉर्डिंग है हम लोग ये स्टेप्स प्रीरिक्विजिट के फॉलो करते हैं ओरेकल के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इस फाइल के अंदर ऐड करना है, ठीक
या इसे आप कॉपी कर लेना, याद रखना आप लोग इन्वर्टेड कॉमा जो है उससे कॉपी मत करना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है उसे कॉपी करना, ठीक है? ठीक है, कॉपी कर, कॉपी करने के बाद आप लोग मशीन पे आना, ठीक है? और अब क्या करना है मेरे को, जो पर्टिकुलर फाइल है उसके अंदर मेरे को ऐड करना है, तो हम यहाँ कौन सा कमांड यूज करेंगे? सीडी, सीडी करेंगे। हमें ऐड करना है मींस कोई फाइल के अंदर कुछ लिखना है, तो हम क्या वीआई करते हैं ना, टेक्स्ट एडिटर खोल के ही करेंगे ना, ऐसे हम नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तो वीआई के बाद मेरे को स्पेस देना होगा, ठीक है? और उस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दो, वहां से कॉपी करने में यहाँ पेस्ट कर दो और एंटर करो। क्लियर है? एंटर किया, ये देखो मैं उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आ गया हूँ, और देखो आप लोग यहाँ पे इतने सारे पहले से मेंशन पैरामीटर्स है कुछ कुछ जो कर्नल के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे मेरे को और फाइल्स ऐड करनी है, तो एक काम करना आप लोग फिर से इस फाइल के अंदर जाओ और ये जो पैरामीटर्स है इसे कॉपी कर लो, ठीक है? सारे को जो बॉक्स के अंदर है वो सभी चीज को कॉपी कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। पेस्ट करना है तो ये मैं टेक्स्ट एडिटर खोल के रखा हूँ उस पर्टिकुलर फाइल का। अब यहाँ पे ऐड करना है तो क्या करेंगे? तो फिर से ये हैश देके लिखना है, एडिट फॉर। नहीं नहीं, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे अगर कोई चीज मेरे को फाइल करना है? आई से इंसर्ट करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हम इंसर्ट मोड ऑन करते हैं। तो आई से इंसर्ट मोड ऑन किया, अब देखो यहीं पे नहीं ना पेस्ट कर दूंगा, जहां पे मेरा ब्लैक मार्कर है वहां पे तो मैं नहीं पेस्ट करूंगा, इससे एंटर करके आप आगे करो, ठीक है? और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? ये दिख रहा है आप लोग को, पेस्ट हो गया यहाँ पे, ये यही चीज कॉपी किया था। और याद रखना आप लोग ये हैश ना लगा देना, ठीक है? हैश एक तरह से कमेंट रिप्रेजेंट करता है, वो कमेंट होता है, ठीक है? ये सब कमेंट्स है, ठीक है? इसलिए मेरे को बता रहा है कि ये साइज आप रख सकते हो, तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो ऐसे आप यहाँ पे कमांड लिख के, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं कर रहा हूँ, ये देखो मेरे मैंने जो कॉपी किया है उसमें भी हैश है, मीन्स ये मेरा कमेंट है, ठीक है? तो ये सब आप इंक्लूड करके रखना। तो यहाँ पे आप मेरे को क्या करना है, तो कर सर ये वाला एक बार और बोलेंगे सर, कौन सा मतलब ये जो नेक्स्ट टाइम जो कॉपी किए वो वाला? कुछ नहीं करना है आपको, पीडीएफ है, पीडीएफ में जाके आप इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो चीजें मेरे को ऐड करनी है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उसे आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लो, ठीक है? कॉपी करने के बाद आप मशीन में आओ अपने, उस फाइल के अंदर जो टेक्स्ट एडिटर खुला हुआ है उसमें आप इंसर्ट मोड ऑन करो। इंसर्ट मोड ऑन करने के बाद थोड़ा एक स्पेस, एक लाइन स्पेस दे दो, और उसके बाद फिर आप उसमें ऐड कर दो, मतलब पेस्ट कर दो जो कॉपी किया है। पेस्ट करने के बाद आपको अब सेव करना रहेगा इसको, सेव और एग्जिट करना रहेगा। तो सेव एग्जिट का क्या कमांड है? पहले एस्केप करना है, इंसर्ट ऑफ करना है, पहले एस्केप करना है, अब हमें कोलन डब्ल्यू क्यू, कोलोन डब्ल्यू क्यू करके सेव एंड एग्जिट करना है। हाँ। तो यहाँ पे मैं कोलोन डब्ल्यू क्यू लिखूंगा और इसे एंटर कर दूंगा, ठीक है? मैं वापस अपना प्रीवियस टर्मिनल में आ गया। अब आप चेक करके भी देख सकते हो, वो सेव और सेव आराम से हो चुका है। अब देखो मैं फिर से एंटर करके देखता हूँ, ये देखो अब नीचे आ जाओ, देखो मेरे फाइल्स है, ये देखो यहाँ से यही तो फाइल्स जो मैंने कॉपी किया है वही है। हाँ। चलो ठीक है, मैं बाहर आ गया। सर इंसर्ट कैसे करते हैं सर, एक बार? इंसर्ट मोड ऑन करने के लिए आई प्रेस करते हैं सर। हेलो हेलो, किसने पूछा था? क्लियर है? मैंने पूछा था, ठीक है सर, हो गया। चलो फिर यहाँ पे पीडीएफ में आ जाओ आप लोग, और यहाँ पे सेकंड स्टेप देखो, यहाँ पे मेरे को इस फाइल को रन करने को बोल, सिंपल है, आप यहां से कॉपी कर लो इसको, ठीक है? कॉपी करो और जो वहां पे टर्मिनल्स मेरे खुले हुए मशीन में वहां पे आके सिर्फ पेस्ट कर दो। यहां कोई कमांड मेरे को नहीं लिखना है, सिर्फ फाइल को रन करना है, तो मेरे को सिंपल एज इट इज कमांड यहां पे कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है?
ये सब स्टेप्स आप लोग या तो लिख लो या अगर आपको याद रहता है तो बेहतर है, ठीक है। कहाँ पे आपको ऐड करना है, कहाँ पे रन करना है, ये सब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप इसमें भी वीआई करके कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो इसे हम एंटर करते हैं, रन कराते हैं। देखो रन करने पे क्या हुआ, इतने सारे पैरामीटर इसमें ऑलरेडी रन होके इंक्लूड हो चुके हैं जो कर्नल में है, ठीक है। मतलब ओएस लेवल पे अपना, उसमें कुछ और पैरामीटर्स मैं ऐड किया हूँ इस फाइल को रन करा, ठीक है। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब थर्ड स्टेप आते हैं। थर्ड स्टेप में भी मेरे को क्या करना है कि ये जो पर्टिकुलर फाइल्स हैं, ये जो पैरामीटर्स है उसे भी मेरे को ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सॉफ्ट हार्ड ये सब आपको डीबीए में पता लगेगा, और इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। एल प्रॉक मीन्स होता है नंबर ऑफ प्रोसेस, एल ओ एफ आई एल ई उसका फुल फॉर्म होता है नंबर ऑफ फाइल, और स्टैक का मीन स्टैक। ये सब आप डीबीए में समझोगे, ये सब टर्म्स आएंगे, ठीक है, अभी आप जान लो। अब क्या करना है, इस पर्टिकुलर पैरामीटर्स को इस फाइल में मेरे को ऐड करना है जो मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो सारे फाइल, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा आपको दिख रहा होगा, इन्वर्टेड कॉमा के फाइल को मेरे को इन्वर्टेड कॉमा को नहीं सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले, ठीक है। अब मशीन पे आता हूँ। मशीन पे आने के बाद अब मेरे को क्या करना है, इस फाइल के अंदर मेरे को ऐड करनी है डिफरेंट पैरामीटर्स ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, किसी फाइल को ऐड करने के लिए हमें वी आई यूज करना पड़ेगा। वी आई करेंगे, फिर स्पेस करेंगे, ठीक है, स्पेस करेंगे। उसके बाद फिर मैं जो कॉपी किया हूँ फाइल को वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो फाइल का जो भी नेम है, ठीक है, जो भी है उधर इंफॉर्मेशन दिए। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे फिर से एक नया टेक्स्ट एडिटर का अपना पैनल खुल गया। सबसे पहले नीचे आ जाते हैं, आप देखो सब में ही एक तरह से कमेंट है, सब में हैश लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ऐड करनी है, ऐड करनी है तो वापस पीडीएफ में आ जाओ, ये सब पैरामीटर्स को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद मशीन में वापस आओ। अब यहाँ पे मेरे को ऐड कर हो गया, यही वाला देखना था। वो तो सिंपल, अभी तक तो वी आई यूज कर रहा हूँ खाली। हाँ वही लिख रहे थे इसलिए। हाँ तो किसी भी चीज में ऐड करने के लिए वो तो वी आई करना पड़ेगा मेरे को, और ये सभी चीजें ऐड रन ये सब स्टेप्स दिए हुए हैं पहले से पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इस फाइल के अंदर मेरे को पैरामीटर्स ऐड करना है, ठीक है। पहले इंटरनेट मोड ऑन करेंगे आई प्रेस करके, फिर यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल में आ जाओ, आप थोड़े स्पेस ले लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, दिख रहा है। एंड ऑफ द फाइल के नीचे पेस्ट करना है। हाँ एंड ऑफ द फाइल को ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोग का मोटिव है बस ये फाइल के अंदर रहना चाहिए ये पैरामीटर, ओके ओके, ठीक है। अब मेरे को सेव एंड एग्जिट करना, तो एस्केप करके इंसर्ट मोड हटाओ, कोलोन डब्ल्यू क्यू करो, सेव एंड एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे ये स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए। अब फोर्थ स्टेप में आते हैं। फोर्थ स्टेप है ये अपना ऑप्शनल स्टेप है एक तरह से, फोर्थ स्टेप आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप आप लोगों को देखना है कि नहीं देखना है, देखना है, देखना है, मतलब अगर जरूरी है तो हाँ पता रहना चाहिए, अगर आप करो चाहे नहीं करो पता रहना चाहिए। अब कौन बोल रहे, देवजीत बोल रहे क्या? नहीं सही नहीं आता, नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ यस आयन बोल रहा ना। चलो फिर यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या करना है इस स्टेप में, आप आ जाओ यहाँ पे मशीन में ही आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप
नया टर्मिनल खोल लो पहले, ठीक है? इस स्टेप के लिए, फोर्थ स्टेप के लिए नया टर्मिनल खोल लो। अब नीचे आपको सीडी आइकन है, उस सीडी आइकन पे राइट क्लिक करो और V37084 आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका एक नया पैनल खुलेगा, ठीक है, जो आपको दिखेगा। ये देखो, ये आया, ये आ गया, मेन आपका सीडी रन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले df माइनस एच करके देखो, इसके बारे में बताया था, इसलिए एक तरह से माउंट पॉइंट चेक करने के लिए काम में आता है, मींस डिस्क स्पेस, उसका लोकेशन, ये सब मेरे को यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखो ये सभी चीजें, ये देखो मीडिया SF और Ekkel 11G, ठीक है, ये लोकेशन पे आपका वो दोनों zip फाइल है, ठीक है। आपको अगर नहीं भरोसा है तो आप CD करके अभी चेक करके देख सकते हो, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। CD किया, ये किया, हेलो, दिख रहा है zip फाइल है इधर मेरा, ये दोनों zip फाइल है ना, तो ये मेरा उस सॉफ्टवेयर का लोकेशन इधर पे पता लग जाएगा कि किधर है, ठीक है, और कितना स्पेस ये खाया हुआ है, ठीक है, ये टोटल स्पेस मेरे को बताता है, ठीक है, टोटल स्पेस, और यहाँ पे क्या है, कितना स्पेस ये कंज्यूम करके रखा है, और यहाँ पे कितना स्पेस में फ्री है, और यहाँ पे उसका परसेंटेज यूसेज है, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हो, आप लोग समझदार हो, ठीक है, चलो। फिर अब हमें जो हमारा जो पर्पस है वो इस फाइल से, ठीक है, ये सीडी अभी जो मैं चलाया हूँ, ठीक है, नीचे से जो इंसर्ट करके मैं रन किया हूँ सीडी को, वो सीडी का फाइल ये है, ठीक है। अब आप चेक कर लो, अभी जो आपने रन किया, ये देखो क्या है, सीडी का नेम पूरा ol6.4 करके है, हाँ सर, तो यहाँ पे देखो ol6.4 करके है, सेम चीज है, ठीक है। इस लोकेशन में मेरे को पहले जाना होगा, सीडी करके जाएंगे, ठीक है, हाँ, यहाँ पे पेस्ट करेंगे सीडी करके, ठीक है, आ गया अपना, ठीक है, एंटर किया, देखो यहाँ पे हम इसके पास में आ गए। अब मेरे को देखना है इसके अंदर क्या क्या है, एलर करके देखते हैं, देखो इतने सारे चीजें हैं, इस सारे चीजों में से मेरे को इस पैकेजेस का काम, तो मैं इस पैकेजेस के लोकेशन में जाऊंगा, सीडी पैकेजेस, ठीक है, ठीक है, एंटर किया, देख लो हम पैकेजेस में आ गए हैं। अब इस पैकेजेस में आने के बाद आप क्या करना, सीधा पीडीएफ में जाओ, पीडीएफ में जाओ। अब यहाँ पे आपको आरपीएम फाइल्स जो दिख रहे हैं बहुत सारे, ये यहाँ से आप कॉपी कर लो, ठीक है, ये आप लोग नीचे वाला देख रहे हैं ना, cd/eject, इसको नहीं लेना, आरपीएम फाइल जो जो है, जो जो आरपीएम करके लिखे हैं, उन सभी को चूज करो, कॉपी करो और मशीन में पेस्ट कर दो, वो रन करेगा अपने आप थोड़े थोड़े करके, ठीक है, देखो एक एक करके रन कर रहा है, दिख रहा है, हाँ सर, सर एक एक करके रन करना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा, हाँ किसी किसी सिस्टम में ऐसा होता है कि एक एक करके रन करना पड़ता है, मेरे सिस्टम में वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप लोग देखोगे कि जैसे मैंने कॉपी किया वैसे ही वो विजुअल उसका यहाँ पे कॉपी हुआ, बट किसी किसी का क्या होता है कि वो सब जो कॉपी करते हैं वो सब एक लाइन में आ जाता है, ठीक है। मेरा देखिए, देखो आप लोग एक एक फाइल वो अपने आप एक एक प्रॉम्प्ट में लिया हुआ है, देखो ये एक प्रॉम्प्ट में लिया हुआ है, पैकेज में जाके पूरा कॉपी जो है उसमें पूरा कॉपी करके पेस्ट कर देना है, बाकी पूरा ये देखो एक एक फाइल मेरा एक एक अपना प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आरपीएम यहाँ पे लिखा हुआ है फिर स्पेस करके फिर आरपीएम करके दूसरा फाइल है फिर स्पेस करके आरपीएम करके, ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, आपको फिर एक एक करके करना पड़ेगा, ठीक। अब ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आप सीडी स्लैश करके बाहर आ जाओ, और यहाँ पे आप तो यहाँ पे सीडी स्पेस स्लैश करके मैं बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ पे आप
राइट कॉर्नर पे बॉटम पे आप रिमूव डिस्क फ्रॉम वर्चुअल ड्राइव कर लो, उस सीडी को आप रिमूव कर दो, हट गया, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। अब आप df माइनस h भी कर लो, देखो अब वो वाला पाथ जो था जो मैं सीडी इंसर्ट किया था वो तो गायब हो गया ना यहाँ से, पहले तो था, ठीक है? सर हाँ, वो वाला पार्ट तो अभी नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑफ कर दिया उस सीडी को, क्योंकि वो सारी चीज वो इस सीडी में थे, ठीक है? तो अब मेरे को इस टर्मिनल सब काम नहीं है, टर्मिनल को आप काट दो, ठीक है? मैं प्रीवियस टर्मिनल में आ जाऊंगा अपना वापस, ठीक है? तो मेरा फोर्थ स्टेप ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब मेरा फिफ्थ स्टेप क्या है, यहाँ पे मेरे को यूजर क्रिएट करना है एंड ग्रुप्स ऐड करना है, ठीक है? तो अब रूट में आप बैठे हुए हो तो रूट तो क्या कर सकता है, यूजर भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे अब हम एक न्यू यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना होगा, ये जो कमांड्स है ये सब जो यहाँ पे फाइल्स के नेम वगैरह दिए हुए हैं ये सब ग्रुप्स हैं, ठीक है? तो ये सब ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो इससे आप कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद इस टर्मिनल में आके सिर्फ पेस्ट कर दो, ठीक है? ठीक है, पेस्ट कर दिया, एक एक करके वो ले लिया, मतलब मेरे को यहाँ पे रन कराना है। और एक फाइल है सर 505, हाँ 505 करके है वो, तो नीचे है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो नीचे में है, यहाँ तक हमने ग्रुप ऐड किया है, ठीक है? अब ये जो कमांड है आपको दिख रहा होगा यूजर ऐड करके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजर को ऐड कर रहे हैं, मतलब यूजर बना रहे हैं। ये भी आप ऐड कर लो, अभी तक तो ग्रुप मैंने आइडेंटिफाई किया, क्या क्या ग्रुप्स हैं वो इंस्टॉल, नंबर क्या डिनोट करता है, कौन सा नंबर, ए 501 502, ये सब ओरेकल से रिप्रेजेंटेड अपना जो okay. भी नंबर okay. है, बट आप लोगों को ये जानना होगा कि ये जो ओ इंस्टॉल डीबीए ओपन एएसएम एडमिन एएसएम डीबीए ये सब ग्रुप्स नेम होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम जो ओरेकल नाम करके एक नया यूजर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, किया? अब देखो इतने कमांड तक आपका टोटल ग्रुप ऐड हो चुके हैं, यूजर बन चुके हैं। अब उस यूजर को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड देना होगा, तो उसका कमांड ये पासवर्ड ओरेकल है, ठीक है? एंटर किया तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आप जो ग्रुप का पासवर्ड देना चाहते हो वो दे दो। तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट ओरेकल ही रखूंगा, क्योंकि आप लोगों को बोला कि मैं ओरेकल ही रखता हूँ बाय डिफॉल्ट समथिंग, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि हर जगह का पासवर्ड मेरे को याद नहीं रह सकता। तो ये देखो ये बोल रहा है कि बैड पासवर्ड है, थोड़ा सिक्योर्ड पासवर्ड यूज करने को, लेकिन मैं डीप किस्म का आदमी यही यूज करूंगा, ठीक है? तो एंटर किया, अब देखो यहाँ पे ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है? यहाँ पे हमारा ग्रुप्स ऐड हो गए, यूजर ऐड हो गए, ठीक है? और प्रीवियस प्रीरिक्विजिट स्टेप्स हो चुके हैं, और दो स्टेप्स मेरे पास प्रीरिक्विजिट के बचे हुए हैं। वो क्या है, मेरे को कुछ चेंजेस करनी है, कुछ पैरामीटर्स को चेंज करना है। तो वो पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए मेरे को देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ पे 1024 दिया हुआ है, ठीक है? इस फाइल के अंदर etc security limit dot d फाइल में मेरा जो उसमें पैरामीटर है वो 1024 है, बट मेरे को इधर चेंज करके 16384 करना है, जो कि Oracle recommend कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे मेरे को ये चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ पे इस फाइल का नेम या पाथ कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके। अब मशीन पे आओ और यहाँ पे मेरे को इसके अंदर जाके चेंज करना है, क्योंकि ये सब पैरामीटर्स फाइल के अंदर है, तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए हम vi कमांड यूज करेंगे, पेस्ट डालते हैं और यहाँ पे फाइल का नेम देते हैं, एंटर किया। अब देखो यहाँ पे कहाँ 1024 है, सिर्फ एक ही जगह 1024 है कि नहीं?
इस जगह पे पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमें इसे एडिट करके 16384 करना है। तो एडिट करने के लिए या ऐड करने के लिए हम इंसर्ट मोड ऑन करते हैं। अब यहाँ पे आप सिंपल एडिट कर लो 16384, ये कर लो और सेव एग्जिट करके बाहर आ जाओ। एस्केप किया, डब्ल्यू क्यू से सेव एंड एग्जिट किया, एंटर किया, बाहर आ गया। ठीक है, अब मेरे को और एक जगह चेंजेस करनी है प्रीरिक्विजिट में, वो फाइल यहाँ पे मेरे को सेलिनक्स की फाइल। इस फाइल के अंदर फिर से मैं जाता हूँ, इसमें मेरे को चेंज करना है सेलिनक्स परमिसिव। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया, हाँ आया। अब इस फाइल के अंदर मेरे को चेंज करना, तो फिर से वी आई करके जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे फाइल नेम, एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे को सेलिनक्स परमिसिव चेंज करना था। अब मैं कहाँ कहाँ सेलिनक्स परमिसिव चेक कर, मतलब कहाँ पे मैं चेंज करूँ, ये देखो सेलिनक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। तो अगर आप ये आप लोग डबल कोटेशन मार्क में याद रखो, अगर आप यहाँ पे आप परमिसिव या फिर चेंज कर देते हो तो आपका मशीन करप्ट हो जाएगा। ठीक है, वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको कहाँ चेंज करना है, इस पोजीशन पे चेंज करना है सेलिनक्स परमिसिव। ठीक है, तो आई प्रेस करके मैं यहाँ आ जाता हूँ, एनफोर्सिंग है, इसे आप एडिट करके परमिसिव करना है। परमिसिव का स्पेलिंग नहीं पता तो ऊपर देख लो आप लोग, परमिसिव का स्पेलिंग है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको आता होगा। ठीक है, परमिसिव लिखा, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट है ना, एजेड बोर्ड हटाया, ठीक है, बोलो डब्ल्यू क्यू करके सेव एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ। अब हमारा टोटल प्रीरिक्विजिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना ही था मैं प्रीरिक्विजिट करने का। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिबूट करूंगा उसे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कुछ उसमें ऐड करनी है फाइल, कुछ क्रिएट करनी है फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले कर लेता हूँ, रिस्टार्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनिट 6 करता हूँ, एंटर कर। अब वो तब तक रिबूट होता तो आपको ये स्टेप्स बता देता हूँ क्या क्या करना। अब यहाँ पे देखो आप लोगों, यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, बट करना क्या, हमें ऑरेकल बेस क्रिएट करना है। ठीक है, एक फाइल बनाते हैं U01 APP ऑरेकल करके, ये हमारा ऑरेकल बेस होता है। ठीक है, अब ऑरेकल बेस क्या होता है ये जानना जरूरी है कि नहीं, क्या पता आप लोगों को? नहीं 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 पता है। ठीक है, ऑरेकल बेस एक तरह से रूट डायरेक्टरी होता है ऑरेकल का। ठीक है, जहां पे हम लोग ओरिजिनल ऑरेकल सॉफ्टवेयर का और उसका डिफरेंट वर्जन को डालते हैं होता है। जैसे आप देखो ये सब zip फाइल जो ऑरेकल का है वो तो ऑरेकल का अपना सॉफ्टवेयर फाइल है ना, उस फाइल को उठा के, अब वो उसका वर्जन क्या है, 11 वर्जन है जिसका रिलीज 2 है। ठीक है, तो 11G2 है ना, इधर 11G वर्जन है और R2 रिलीज 2 है मेरा। ठीक है, तो ये जो है इसे मैं इस U01 APP Oracle के अंदर डालूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पहले ये वाला डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा ना, मतलब ये हाँ, पहले क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसीलिए बताया ओरेकल बेस क्या है, हमारा रूट डायरेक्टरी है ओरेकल का, जिसमें हम लोग ओरेकल सॉफ्टवेयर जिसके साथ उसका वर्जन को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और वो बहुत एसेंशियल है इसके लिए। ठीक है, आप कहीं भी रख सकते हो, ऐसा कोई आप पे पाबंदी है नहीं है, लेकिन ये सिस्टमेटिक फॉर्म। ठीक है, अब आप सी में रखोगे, डी में रखोगे या ई में रखोगे, और आपको कोई फाइल को रिट्रीव करना हो तो आप कैसे करोगे, आपको याद तो नहीं होगा ना कि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन का कहाँ आप रखे हो फाइल। इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम लोग यहाँ पे एक फाइल पहले से क्रिएट करते हैं जो कि हमारा ओरेकल बेस होता है,
उसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑरेकल सॉफ्टवेयर रखते हैं विद देयर पर्पस, डिफरेंट पर्पस। क्लियर हुआ ऑरेकल बेस? ऑरेकल बेस आपको पता रहना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखो यहाँ पे क्या, पहले मैं लॉग इन करता था यहाँ पे अदर्स लिखाता था पहले से, और फिर मैं अदर्स, ये देखो अदर्स का ऑप्शन है यहाँ पे, अदर्स करके फिर रूट लिखता था, फिर पासवर्ड लिखता था, फिर लॉग इन करता था। अब देखो मैंने क्या बोला था, प्रीरिक्विजिट मैंने ओरेकल नाम का एक यूजर क्रिएट किया है, ठीक है, वो देखो यहाँ पे पहले से आ गया, वो यूजर आ गया अपने आप, आया कि नहीं? लेकिन हमें अभी इस यूजर से लॉग इन नहीं करना, ठीक है, हमें रूट से ही करना। क्यों? क्योंकि ऑरेकल यूजर बनाया लेकिन वो अभी नया है, उसे कुछ रूट करने का परमिशन नहीं दिया गया, उसे कोई फाइल अलोकेट नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, उसे ना प्रिविलेज है, किसी भी चीज देखने का प्रिविलेज नहीं है उसको, ठीक है। तो हम अभी रूट के थ्रू उसे सारा प्रिविलेज और परमिशन देंगे, ठीक है, उसे स्कूल में भर्ती करेंगे, ठीक है, अभी वो बच्चा है। तो अदर्स में आते हैं और रूट से लॉग इन करते हैं, आ गया। अब आप टर्मिनल खोल लो राइट क्लिक करके, ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? नहीं सर। चलो अब मेरा क्या था, अब आप लोग बताओ कि मेरा 11G सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, कैसे पता करेंगे? ये डेस्कटॉप पे नहीं, मेरे को टर्मिनल पे देखना है। हाँ तो जस्ट थोड़े देर पहले आप लोगों को शो करके भी दिखाया, कौन सा कमांड यूज करना है वो भी दिखाया। F space H। हाँ अभी देख सकते हैं तो LL करेंगे तो दिख जाएगा वहाँ पर, ऐसा कुछ LL करके देखते हैं। BF hyphen H। क्या क्या क्या? BF hyphen H। BF hyphen H। H। यही तो। हाँ। और BF hyphen H। अच्छा। Hyphen H। वही तो किया। नहीं किया था। df के बाद स्पेस होता है और माइनस h। अब किधर है देखो, ओरेकल 11g सॉफ्टवेयर कहाँ है? मीडिया एसएफ ओरेकल 11g में, ठीक है। मेरे को लोकेशन पता लग गया कहाँ पे मेरा zip फाइल है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir माइनस t करके, स्पेस दो, ठीक है, और /u01 APP and Oracle, ये देना। अब आप लोग नोटिस करो एक चीज, यहाँ पे मैं पहले स्लैश दिया हूँ, ठीक है, ये आप लोग नोटिस करो, पहले स्लैश देना जरूरी है क्योंकि ये फर्स्ट स्लैश मीनिंग होता है ये रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। जो भी रूट डायरेक्टरी से आपको रिट्रीव करना हो या फिर कुछ करना हो तो आपको पहले स्लैश देना जरूरी है। आप लोग देखोगे मैंने सीडी बनाया, सीडी को इंसर्ट किया था, सीडी जब मैंने रन किया था तब वहां पे मैं क्या कर रहा था, इजेक्ट कर रहा था, मतलब जब आरपीएम फाइल को रन कर दिया तो मैं इजेक्ट कर रहा था, इजेक्ट करने समय क्या किया था, सीडी स्लैश किया था, याद है, एक तरह से रूट होम में जा गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंटर करो, अब चेक करो, ये तो हमारा रूट में बना ना, रूट में बना, तो रूट डायरेक्टरी में सीडी स्लैश करके जाते हैं, ये देखो स्लैश आ गया। यहाँ पे एंटर करके देख लो बना कि नहीं बना, क्या बताओ सर, रूट स्लैश का मतलब क्या है, रूट यूजर के अंदर जाना, रूट डायरेक्टरी में जाना। अच्छा, ये सब देखो, ये सब जो चीजें हैं वो हमारे रूट की हैं, रूट यूजर की, ठीक है, एक तरह से आप सी ड्राइव बोल सकते हो उसका, ठीक है। अब है मेरा वो mkdir minus p करके u01 app oracle की बनाया तो वो बना कि नहीं बना, वो इसी लोकेशन पर बनेगा ना क्योंकि मैंने पहले इधर स्लैश डिनोट किया है।
अगर मैं इधर स्लैश नहीं डिनोट करता मेरा तो डेस्कटॉप में बनता, वो ये डेस्कटॉप में ही बनता, ठीक है, बना कि नहीं बना ये बताओ। बना हाँ बना, ये रहा, ठीक है, इसके अंदर जाके आप देख लो बना कि नहीं बना, एंटर करो, अलग करके देखो, एपीपी बन गया, सीडी करके एपीपी में जाओ, ऑरेकल बन गया, और सीडी करके ऑरेकल में जाओ, इसके अंदर क्या कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने तीन ही डायरेक्टरी बनाया अभी तक, ठीक है, क्लियर है? अब आपको क्या करना है, उस जो zip फाइल जिस लोकेशन में, उस लोकेशन में जाना है, तो df minus h करके जाते हैं, ठीक है, cd करके इस लोकेशन में जाते हैं, media sf 11g में, ठीक है, आपको खाली sf 11g के जगह कुछ और होगा मे बी, ठीक है, तो ये आप लोग ये मत पूछना कि मेरे में sf 11g oracle 11g लिखा हो, तो आप लोगों में भी लिखा ही होगा, ठीक है, आप लोग जो मेंशन किए होंगे वही मेंशन इधर होगा, ठीक है, एलएल करके देख लेता हूँ, है zip फाइल, अब मेरे को क्या करना है कि ये zip फाइल को उस रूट डायरेक्टरी में मेरे को लेना है जो मैंने क्रिएट किया हूँ, आप लोग अभी ओरेकल बेस बताया हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मेरे को ओरेकल सॉफ्टवेयर रखना रहता है, तो इस ओरेकल सॉफ्टवेयर को मैं उसमें रखूंगा, तो वो रखने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, ठीक है, क्या कॉपी सीपी करके करूंगा, ठीक है, सीपी किया, फिर मैंने क्या बोला कि यहाँ पे लोकेशन देना है, इस फाइल को कॉपी करना है, फाइल का लोकेशन देना है, अब यहाँ पे देख लो आप तो पहले से ऐसे ओरेकल 11g में है, जी में हो पहले से, और आप लोकेशन में भी हो, उसी के लोकेशन में हो, तो मेरे को सिर्फ फाइल नेम देना होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिनक्स करके ऐसे करता हूँ, ठीक है, आप ऐसे करके लिख लेना, ठीक है, और स्पेस देने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, स्पेस देने के बाद क्या करना है, एंटर, यहाँ से कॉपी देना है, एंटर करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, उस पार्ट का लोकेशन देना है, हाँ, जहाँ कॉपी करना है उसका पाथ का लोकेशन मेरे को देना होगा, उस फाइल का लोकेशन देना होगा जहाँ पे मेरे को इस फाइल को कॉपी करना है, क्लियर है, कहाँ पे कॉपी करना है, स्लैश u01 फिर स्लैश देना होगा एपीपी स्लैश ओरेकल, ठीक है, अब एंटर करेंगे तो ये मेरा कम्प्लीटली वहां जाएगा, ठीक है, या आप एक एक करके कर सकते हो, अभी देखो आप, मैंने वन ऑफ टू zip फाइल को चूज किया है, फिर मैं क्या करूंगा, टू ऑफ टू zip फाइल को चूज करूंगा, है ना, एक एक करके आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे टू ऑफ टू सेलेक्ट करके फिर कर सकते हो, ठीक है, या तो आप सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे जैसे ही आया, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आया आप यहाँ पे स्टार दे दो, ठीक है, स्टार मीन्स इस डेटाबेस अंडरस्कोर के बाद जो भी चीज है वो सारे फाइल्स को सेलेक्ट कर, ठीक है, मींस डेटाबेस अंडरस्कोर पर कौन कौन से फाइल्स है, वन ऑफ टू और टू ऑफ टू, है ना, ये दोनों को ही एक साथ सेलेक्ट करके वो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस डाल के मैं आप यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉपी दो तरीके से कर सकते हो, है ना, एक तो एक इंडिविजुअली एक एक फाइल को कॉपी करो, नहीं तो एक साथ सारे दोनों को कॉपी कर लो, ठीक है, ठीक है, एंटर करता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि ये बिग फाइल है, थोड़ा बड़ा फाइल है तो टाइम तो लेगा ही, और भी आप दो दो कर रहे हो, चलो बताओ कोई डाउट है अभी तक, यहाँ तक मैम आप लोग, आपको कोई डाउट है, नहीं सर, किसी को डाउट नहीं है ना अभी तक, सिंपल है, कमांड से यूज करके सारा काम किया है, देखो अभी पता लग रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है लिनक्स कमांड, अगर किसी को पता नहीं होगा तो वो कर भी नहीं पाएगा ये चीज, इसीलिए सर मेरा नहीं हो रहा था ठीक से, क्या नहीं हो रहा है, पहले जब ट्राई किया था, क्या मतलब आप प्रीवियस से ट्राई कर रहे थे, हाँ नहीं हो रहा था कुछ, हाँ तो प्रोसेस आपको पहले पता तो रहना चाहिए ना कि क्या करना है, क्या कैसे करना है, वो पता रहेगा तो आप बेशक कर सकते हो, अगर वही पता नहीं रहेगा तो कैसे करोगे, स्टेप्स तो मिला हुआ है आपके पास रिसोर्स है, रिसोर्स है, बट आप को पता तो रहना चाहिए ना कि क्या करना है, ये हो जाता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको अनजिप करेंगे, ठीक है, इस फाइल में, चलो
चलो हो गया मेरा कॉपी, ठीक है। अब अनजिप करना है, तो अनजिप हमें करना होगा जहां पे मैं इस कॉपी इस फाइल को कॉपी करके रखा हूँ। तो उस फाइल में, जिस फाइल में मैंने कॉपी किया, पहले चेक तो करना पड़ेगा ना कि ये फाइल कॉपी हुआ भी कि नहीं हुआ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सीडी करके U01 APP Oracle में जाता हूँ, है ना। यही लोकेशन में मैंने इसको डाला है ना, ये U01 APP Oracle में ही डाला है ना। एंटर करता हूँ, एलर करके देखता हूँ, कॉपी हो गया दोनों। हाँ, हो गया। अब यहाँ पे मैं अनजिप करूंगा, तो अनजिप का कमांड अनजिप होता है, ठीक है, सिंपल है। अनजिप करके फाइल नेम दे दो, ठीक है। अब अनजिप आप एक एक करके करना, एक साथ दोनों मत कर देना, ठीक है। कॉपी आप एक साथ दोनों कर सकते हो, लेकिन अनजिप एक एक करके करना। ये किया, अनजिप स्पेस और एक फाइल का नेम दे दो, एंटर कर दो। देखो अनजिप हो गया। अब दूसरे फाइल को अनजिप करता हूँ, ठीक है। टू ऑफ टू ले लेंगे, अनजिप कर लेंगे। कोई डाउट अनजिप करने में? नहीं, बस सिंपल अनजिप करना है। चलो अनजिप हो गया। तो अब सीधा init 6 करके रिबूट करना, पहले चेक कर लेते हैं अनजिप हो गया, एलर करके देख लो। अनजिप हो गया, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेटाबेस नाम का एक नया डायरेक्टरी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका डायरेक्टरी बन गया, मींस आपने फाइल्स को अनजिप कर चुका कर लिया, ठीक है। दोनों को ही अनजिप करना, ठीक है। मे बी कोई एक फाइल को अनजिप किया तो डेटाबेस आ गया, तो आपको समझ लिया अनजिप हो गया, ठीक है। लेकिन आपको दोनों फाइल को अनजिप करना है, ठीक है। मतलब ऐसे भी तो जाके, मतलब अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो ऐसे जाके चेक कर सकते हैं ना उस के अंदर। अब बस अब ये आज का लास्ट स्टेप बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, रूट है, रूट है, ठीक है। यूजर और ग्रुप इसका रूट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोला था कि अब उसे स्कूल में भर्ती करके उसे पास कराना है, ठीक है, ओरेकल यूजर को। अब सारे काम ओरेकल से करेंगे, यहाँ तक रूट का ही काम था, अब हम ओरेकल से करेंगे। तो यहाँ पे अब ओनरशिप मैं चेंज करूँगा, तो CHOWN करना, ठीक है। ओनरशिप चेंज करने का कमांड यही है ना अपना, CHOWN। फिर क्या करेंगे, -R डालते हैं। ये R का मीनिंग होता है रिकर्सिव, मतलब रिपीटेड। अगर आप कोई फाइल, अगर एक फाइल आप दोगे, मेंशन करोगे, तो उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं सभी फाइल्स का ओनरशिप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो -R करना, स्पेस देना, ठीक है। स्पेस देने के बाद अब मेरे को किस यूजर को मेरे को ओनरशिप देना है, ओरेकल यूजर को। यहाँ पर ओरेकल लिखेंगे, फिर क्या बोला था, कोलोन डालते हैं। कोलोन डालने के बाद मैं यहाँ पे ग्रुप दूंगा, तो मेरा प्राइमरी ग्रुप होता है ओ इंस्टॉल। देखा होगा आप लोगों ने कि 501 ग्रुप ऐड किया होगा, तो उसमें ओ इंस्टॉल दिख रहा होगा, ठीक है। ओ इंस्टॉल किया और स्पेस डाल के मैं क्या दूंगा, जिस फाइल को मेरे को चेंज करना ओनरशिप, जिस डायरेक्टरी का ओनरशिप मेरे को चेंज करना, वो देना होगा, ठीक
अब यहाँ पे मेरे को लिखने का जरूरत नहीं है U01 APP Oracle के अंदर डेटाबेस जाना होगा, डेटाबेस करने के अंदर ये सब इतना करने का मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं माइनस आर पहले से देकर रखा हूँ, मतलब रिकर्सिव या फिर रिपीटेड करके रखा हूँ कि U01 डायरेक्टरी के अंदर जो भी डायरेक्टरी जो भी फाइल्स होंगे उन सभी का ओनरशिप चेंज हो जाए, ठीक है, ओनरशिप कहाँ चेंज हो जाए, ओरेकल में, एंटर करूंगा, ओनरशिप चेंज हो चुका। अब यहाँ पे मैं परमिशन दे देता हूँ, उस CHMOD करेंगे, ठीक है, माइनस आर करेंगे, अब यहाँ पे 775 देंगे और स्पेस देने के बाद U01 देंगे, एंटर किया, हो गया, सारे चेंजेस हो गए। अब यहाँ पे मैं ये मैंने ओनरशिप दे दिया, अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा, अब से जो मैं लॉग इन करूंगा वो ओरेकल यूजर से लॉग इन करूंगा, ठीक है, तो यूनिट 6 कर लेता हूं। तो अभी तक जितना क्या कोई डाउट नहीं है ना किसी को, नहीं तो हम लोग जो करेंगे वो फोर्थ वाला स्टेप जो है RPM वाला पैकेज इंस्टॉल वाला वो करेंगे या फिर उसको स्किप करेंगे, आप ऑप्शन है वो आप मन है तो करो, ठीक है, आज हम एंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद दूसरे बैच का टाइम है, ठीक है, तो इतने तक आप लोग करके रखना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओरेकल, अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ओरेकल इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे, ओरेकल डेटाबेस कंप्लीट करेंगे और लास्ट में डेटाबेस लॉगिन करना आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा इंस्टॉलेशन, ठीक है। सर बोल रहा हूँ कि सीडी का जो सिंबल था वो नहीं दिख रहा था आपके, तो उसको क्या अनमाउंट करना पड़ेगा पहले? नहीं नहीं वो अभी तो आपको नहीं दिख रहा, पहले आप वो चेंजेस कर लो फिर आप लोग आप बताना, ठीक है, आप मैसेज कर देना, ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया तो यहाँ तक मैं रखता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, सेम मशीन करना सबको बेटर रहेगा आप लोग के लिए, वरना फिर बूट हो जाए तो दिक्कत हो जाए, फिर स्टार्टिंग से इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है सर, तो अगर कोई डाउट हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है, ठीक है सर, अगर फ्री हो तो क्लास एंड करते हैं।